बस पैक नंबर का उल्लू उल्लू अरे अरे बस 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 इसका मतलब है कि जैसे उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता वैसे आपको भी नहीं दिखाई दे रहा है कि हम रोहित के वाले गधे नहीं मैंने गधा तुम्हें इसलिए कहा क्योंकि ये सब करने की कोई जरूरत थी नहीं मैंने पहले से अपने चश्मे में ये बुक रिकॉर्ड कर ली है कल मैं डायरेक्ट टेस्ट पे जाके मैं चश्मे में सारे आंसर्स देखूंगा और लिखूंगा समझे लेकिन बस हमें थोड़ी मुश्किल हो रही है आपके लिए क्यों क्योंकि बस नकल करने के लिए भी अकल चाहिए और अकल के टेस्ट में आपको हमेशा अंडा मिला है अंडा तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है ना नहीं है ना विश्वास नहीं ये लो बुक पूछो इसमें से तुम्हें जो सवाल करना है पूछो मुझे सब के आंसर्स आते हैं बताओ व्हाट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रू और फॉल्स एक मिनट केवल ये आंसर तो मेरे बुक में है ही नहीं तुम जानबूझकर मुझे ऐसे सवाल पूछ रहे हो जो अपने हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में है ही नहीं बॉस का हिस्ट्री का टेस्ट नहीं साइंस का टेस्ट हाँ क्या हाँ अच्छा हुआ तुमने मुझे सही समय पर बता दिया वरना चश्मा होने के बावजूद मैं कल फेल हो जाता तुम पहले क्यों नहीं बताया दो मेहर की टेक्स्ट बुक दो मैं अभी सब रिकॉर्ड करता हूँ ये लो था तुम्हारा क्वेश्चन वुड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रू और फॉल्स एक मिनट फॉल्स सही है बॉस देखा नहीं देखा मेरा मतलब है कैसे देखेंगे बस चश्मा तो आपके पास है ना हाँ और मेरे पास ही रहेगा अब मुझे फर्स्ट आने से और मानव को टकला होने से कोई नहीं रोक सकता सब मेरे प्यारे चश्मे की वजह से हो रहा है सारे बच्चे अब मुझे इंटेलिजेंस स्टूडेंट करके बोलेंगे सब किसकी वजह से हो रहा है मेरे प्यारे चश्मे के वजह से केवल बेंच अरे बस बेंच को छोड़ो उसी ऊपर से चश्मा था उसके बारे में सोचो चश्मा चश्मा मैं चश्मा चश्मा अरे रुको भयंकर परी छल परी तुम्हें तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा देने आए हैं हम बोलो आओ और देखो तुम्हारा अंत तुम्हारा इंतजार कर रहा है कायरों की तरह छुपकर तुम हमसे बच नहीं सकते तुम्हारी बुराई की तरह आज तुम्हारा अंत भी बुरा ही होगा हाँ सामने आओ और देखो कि कैसे तुम्हारी बुराई के साम्राज्य का सूर्यास्त होने जा रहा है आओ छल परी और दिखाओ अपना छल और करो हमसे युद्ध हाँ भयंकर परी अब तुम्हारा अंत निश्चित है भयंकर परी छल परी अगर मेरे तीन गिनने तक तुम दोनों बाहर नहीं आए तो मैं इस पूरे भयानक लोक को मिट्टी में मिला दूंगा एक, 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 एक।
बहुत जल्दी है तुम सबको अपनी प्यारी रानी परी के पास जाने की और उनके साथ सुर से सुर मिलाने की। तो ठीक है, हम तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी करेंगे और ऐसे विनाश की धुन बजाएंगे कि तुम सब भयानक लोग से बाहर नहीं निकल पाओगे। कौन जाएगा और कौन बचेगा उसका फैसला भी जल्दी हो जाएगा। चल परी। और भयंकर परी, तुम्हारे पास सिर्फ शब्दों के हथियार बचे या फिर हमसे मुकाबला करने के लिए कोई और भी शस्त्र है? और अगर है तो आज उनका उपयोग कर लो, क्योंकि ऐसा करने का मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। मेरी माँ कहाँ है? अंदर महल में है या शायद छल लोक में? नहीं नहीं, या फिर भयंकर परी, कहीं वो तितलियां बनके रानी परी की तरह किसी पेड़ पर तो नहीं बैठी? मैं तेरे दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा, और ये दुश्मनी आज तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। चल परी। नहीं बालवीर, ये ऐसे नहीं समझेगी। इनकी बुराई पर विराम लगाने के लिए हमें इनका अंत करना ही होगा। तो ठीक है, चल परी, यहां से निकलने का समय आ गया है। तुम उस दिशा में जाओ, मैं इस दिशा में जाती हूं। ये भयंकर परी और चल परी तो भाग रहे हैं, लेकिन आज वो हमसे बचकर नहीं जाने चाहिए। परियो, आप छल परी के पीछे जाइए और मैं भयंकर परी के पीछे जाता। भयंकर परी! उधर टेम्पो। अंकल मैं चश्मा, अंकल चश्मा, चश्मा, अंकल, अंकल चश्मा, अंकल चश्मा, रुको! बेवकूफो, तुम क्यों रुक गए? टेम्पो का पीछा क्यों नहीं कर रहे हो? अरे बॉस, अभी आप ही ने तो कहा रुको रुको, तुम रुक गए। तो भी मैंने टेम्पो को कहा कि रुको रुको, अगर मुझे मेरा चश्मा नहीं मिला ना तो मैं फेल हो जाऊंगा। अरे बॉस, उसमें कौन सी नई बात है? बॉस सोचो, अगर भागते भागते आपका वजन 100 ग्राम कम हो गया तो दुनिया को क्या पेट दिखाओगे, मतलब क्या मुंह दिखाओगे? चुप। अरे यार, मेरा चश्मा उस टेम्पो में, उस टेम्पो को रोकना होगा। क्या करें, मेरी गाड़ी भी नहीं है। ए, रुक 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 नहीं, मेरा नाम शाहरुख है। अच्छा, नाइस टू मीट यू, मैं सलमान और ये आमिर। और ये इनका इंट्रोडक्शन जरूरी नहीं है। ए, मुखिया देख रहा है, उतर साइकिल से। मैं अपनी साइकिल नहीं दूंगा। ए, बॉस अभी प्यार से कह रहे हैं उतर जा वरना पैरों में गिर कर मांगेंगे, है ना बॉस? ए, मुंह क्या देख रहा है, उतर उतर उतर। चलो रोहित केवल। तुम दोनों चल के आओ।
चश्मा, हाँ चश्मा, चश्मा। अरे हाथ गाड़ी पे, मैं चश्मा पकड़ो। चश्मा चश्मा, अंकल रुको, अंकल अंकल रुको। चश्मा, मैं चश्मा, तुम मुझे पकड़ तो क्या छू भी नहीं सकती परियों। बड़ा मजा आ रहा है इन परियों के साथ आंख बिछोली खेलने में। आओ परियों, ढूंढो मुझे अगर ढूंढ सकती हो तो। यहाँ से आगे जाने का रास्ता नहीं है, इसका मतलब छलपरी यही कहीं पर है। लेकिन छलपरी को यहाँ ढूंढना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो अपने आप को किसी भी वस्तु में बदलने में माहिर है। हाँ, और यहाँ तो हर जगह पहाड़, पत्थर और अन्य वस्तुएं हैं। और इन सारी वस्तुओं में से हम उसे कैसे ढूंढेंगे? लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वही है जो हमें बालपरी तक पहुंचा सकती है। आपने सही कहा भटकाती परी, आज छलपरी बचकर जानी नहीं चाहिए। ढूंढो उसे। चलो अब हमें आसानी से मेरा चश्मा मिल जाएगा। अच्छा होगा कि इस बार आपका चश्मा मिल जाए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। क्या कहा? अरे बस, इसका मतलब है कि अगर आपका भी चश्मा नहीं मिला तो कल क्लास टेस्ट में आपकी खैर नहीं। और सर पे हेयर भी नहीं। हाँ, सही कहा तुमने। वैसे केवल अगर बॉस का चश्मा मिल गया तो बॉस को गंजा देखने का सपना अधूरा रह जाएगा। कोई बात नहीं रोहित, बॉस को गंजा करवाने का कोई और तरीका ढूंढ लेंगे। की प्लानिंग कर रहे हो तुम दोनों? आपको गंजा करने की। आपको गंजा होने से बचाने की। ठीक है, अगर आज मेरा चश्मा नहीं मिला ना तो तुम दोनों नहीं बचोगे, समझे? अब चलो अंदर। किसी ने सही कहा है, देयर इज नो गेन विदाउट पेन। पर हाँ, इतना पेन हुआ, बट मुझे मेरा चश्मा तो मिल गया।
अच्छा नहीं हुआ। क्या? अरे बॉस, जो हमारे साथ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। बॉस, आजकल के डॉग्स कितने जंगली हो गए। हमारे साथ हाथी था फिर भी नहीं डरे। ये मुझे हाथी का नहीं बॉस, अंदर वालों को डॉग्स का। तो फिर ठीक है, अब चलो इंटेलिजेंट चिल्ड्रन के घर। देखे तो सही, वो अपने किताबों के बिना कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। चलो उनका हाल ठीक कराते हैं। मैं तो कहता हूँ पहले हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हमारी ये हालत दिखाने, हमारी ये हालत उन इंटेलिजेंट चिल्ड्रन की खराब हालत देख के ही सही हो सकती है। इसीलिए अब चलो। भयंकर परी, बुराई चाहे जितनी भी ऊंचाई तक उड़ ले, लेकिन अच्छाई के वार से उसे नीचे गिरना ही पड़ता है। तुम्हारी वजह से रानी परी हमसे दूर हुई है। मेरी माँ के अपहरण के असली दोषी भी तुम ही हो। दोषी वो नहीं बालवीर, दोषी मैं हूँ। दोषी वो नहीं, दोषी मैं हूँ। नहीं नहीं, दोषी वो नहीं, दोषी तो मैं। क्या हुआ बाल, डर गए? होश उड़ गए तुम्हारे मेरे इतने रूप देखकर? अब किसका अंत करो, मेरा या मेरा या फिर मेरा या मेरा? तुम हमारा अंत कर पाओगे ये तो हम नहीं जानते, पर इतना जरूर जानते हैं कि आज तुम्हारा अंत करके हम तुम्हें तुम्हारी प्यारी रानी परी के पास भेज देंगे।